हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों के गर्दन की सफाई के बारे में, किस तरह से हम लोग बच्चों के गर्दन की सफाई कर सकते हैं और हमें बच्चों की गर्दन की सफाई क्यों करनी चाहिए। आज के पूरे वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ही जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये मेरी बच्ची है, तो आज मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी कि बच्चों के गर्दन की सफाई कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चों की गर्दन की सफाई जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बच्चा जो छोटा होता है तो उसका गर्दन जो होता है, आप देख सकते हैं ये मेरी बेबी है, तो इसके गर्दन की सफाई मैं किस तरह से किया करती थी वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का जो गर्दन होता है उसमें इसके गैप बहुत कम होता है, ये बिल्कुल जो है ये इस तरह से पूरा क्या होता है वो सटा होता है। ये जो चिन जो है, जो बच्चे का टुड्डी जो होता है वो छाती से बिल्कुल सटा होता है, इस तरह से बिल्कुल रहता है, गैप बिल्कुल नहीं रहता है। और यहाँ पे छोटा छोटा टायर जैसा भी बना हुआ रहता है। तो होता क्या है, बच्चे को जब भी हम दूध पिलाते हैं, चाहे वो बोतल से पिलाए या चम्मच से पिलाए या फिर अपना माँ अपना जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो दूध का कुछ बूंद वो है वो मुंह के थ्रू यहाँ पे आ ही जाता है। और अगर यहाँ पे आ जाएगा तो दूध यहाँ पे जम जाता है जाकर, और वो वहाँ पे जम जाएगा तो उसकी अगर सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ पे पिंपल होना शुरू हो जाएगा, रैशेस होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो होता है, जब गर्मी का दिन होता है या फिर ठंड का भी मौसम हो, तो यहाँ पे जो अगर बच्चे को थोड़ा सा भी पसीना चलता है तो पसीना यहाँ पे क्या होता है जहाँ मरता है, तो यहाँ पे अगर पसीना मरता है तो पसीना मरेगा तो रैसेस होगा, और रैसेस होगा तो यहाँ पे अगर सफाई नहीं करेंगे तो पिंपल होना शुरू होगा, जिससे बच्चे को इरिटेशन होगा और आपको भी प्रॉब्लम होगी और बच्चा रोएगा भी। तीसरा जो पॉइंट है, अगर बच्चे को जब हम लोग नहलाते हैं तो बच्चा तो नहलाते समय ऑब्वियसली है हर बच्चा रोता है थोड़ा बहुत, तो नहाते समय बच्चे को अगर हम लोग नहलाते हैं तो अच्छे से जैसे जल्दी जल्दी नहला बच्चे को जल्दी जल्दी हम लोग नहला देते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पे अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है, तो जो बच्चे को हम लोग शैम्पू या साबुन जो भी यूज करते हैं वो यहाँ पे आके थोड़ा बहुत जम जाता है, तो उससे भी क्या होता है यहाँ पे धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे गंदगी जम जाएगी। तो गंदगी अगर यहाँ पे जमना शुरू जम जाएगा तो यहाँ पे मतलब पिंपल होना शुरू हो जाएगा, छोटा छोटा दाना जैसा हो जाता है, रैसेस हो जाता है, जिससे बच्चे को इरिटेशन होती है। तो ये जो मेन कारण है बच्चे का यहाँ पे गंदगी जमा होने का। तो अगर इस तरह से बच्चे को अगर हम लोग गर्दन की सफाई नहीं करेंगे और गंदगी वैसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो मतलब यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे का पूरा रेड हो जाता है, छोटा छोटा पिंपल होना शुरू हो जाता है, या फिर अगर ज्यादा दिन हो जाता है, ज्यादा दिन गैप हो जाता है, अगर ज्यादा दिन के बाद हम लोग सफाई करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे आपका घाव भी हो जाएगा, बच्चे का कभी कभी ब्लड भी आना शुरू हो जाएगा, बच्चा काफी रोएगा, बच्चे को काफी इरिटेशन होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों की गर्दन की सफाई जरूर करनी चाहिए, और ये जो सफाई हो लगभग डेली ही करनी चाहिए। अगर बच्चे को रैशेस वगैरह हो गया है तो आप दिन में दो बार भी सफाई इसे कर सकते हैं, पर मिनिमम एक बार तो इसकी सफाई हम लोगों को जरूर करनी चाहिए। तो किस तरह से हम अपने बच्चों के गर्दन की सफाई कर सकते हैं, आज मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी मैं अपनी बच्ची की किस तरह से करती थी। तो इसका साफ करने का बहुत सारा तरीका है, दो तीन तरीका है जिससे आप बच्चे के गर्दन की सफाई कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है बच्चे के बॉडी के हर पार्ट का जो हम लोग साफ करते हैं वो होता है नहाने के टाइम पे, क्योंकि बच्चा गीला होता है और हम लोग उसे साफ कर सकते हैं। पर जब होता क्या है कि बच्चा को जब नहलाने ले जाते हैं तो बच्चा काफी रोना हो, कोई कोई बच्चा काफी रोता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी नहला के निकल जाते हैं, तो अगर हम उस टाइम पे साफ नहीं कर पाते हैं तो आप बाद में भी उसे साफ कर सकते हैं। पर अगर नहाते टाइम अगर आप पहले ये सारी चीजों को क्लीन कर लेते हैं बॉडी पे पानी बिना डाले हुए बच्चों को, तो वो आराम से साफ भी करने देगा। तो किस तरह से साफ करना है, जब भी आप बच्चे को नहलाते हैं तो या पे पैर पे लेटा कर नहलाते हैं या फिर जमीन पे लेटा कर नहलाते हैं, तो आपको करना क्या है, इस तरह से करना क्या है, बच्चे को जब भी नहलाते हैं तो हम लोग लिटा कर नहलाते हैं, तो इस तरह से अगर आप बच्चे को लिटाए हुए हैं जमीन पे या फिर पैर पे भी, तो करना क्या है, बच्चे के सर के पास हम लोग थोड़ा सा कपड़ा रख देंगे, मैंने एक तकिया रख के आपको बता रही हूँ, तो इस तरह से रखेंगे तो बच्चे के गर्दन के में थोड़ा सा गैप आ जाएगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाएगा, जिससे बच्चे का गर्दन होगा वो खुल जाएगा, तो आपको यहाँ पे गंदगी दिखेगा। तो करना क्या है कि आपको एक पतला सा टॉवल लेना है हैंकी टाइप का, और वो बिल्कुल साफ होना चाहिए,
और बच्चे को जब भी हम नहलाते हैं तो हल्के गुनगुने पानी से नहलाते हैं, तो इस तरह के कपड़े को आप क्या करेंगे, हल्के गुनगुने पानी में भिगो लेंगे और उसको क्या करेंगे, भिगोकर पानी पूरा निचोड़ देंगे। पानी निचोड़ने के बाद क्या करना है, इस तरह से बच्चे के गर्दन के पास ले जाकर इस तरह से हम लोग इसकी सफाई को कर देना है। अगर बच्चे का पिंपल वगैरह है यहाँ पे देखेंगे अक्सर बच्चे को पिंपल हो जाता है, तो इस तरह से इसको हम लोग हल्के हाथों से रगड़ेंगे, साफ करेंगे अच्छे से, ज़्यादा रब नहीं करना है, ज़्यादा हम लोग रगड़ेंगे बच्चे को तो बच्चे को उससे भी रैशेस हो सकता है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो हल्के हाथों से इसको साफ करना है। अगर बच्चे को ज़्यादा पिंपल हो गया तो आपको उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन टाइम लगेगा, तो आपको इस तरह से इसकी सफाई करनी है। और सफाई करने के बाद जब बच्चे को आप नहलाकर निकालते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर जो भी आप बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं या फिर अपने के लिए, उसे आप यहाँ पे लगा दें, या फिर नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें से अगर ये सारी चीज़ करेंगे तो आपके बच्चे का गर्दन में कभी भी रैशेस वगैरह या फिर पिंपल वगैरह नहीं होगा। दूसरा जो तरीका है साफ करने का वो है, अगर आप नहलाते समय बच्चे के गर्दन की सफाई नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। तरीका है जो है वो यही है, अगर आप फ्री हैं, आप सिंगल हैं, तो आप बच्चे को इस तरह से लेटाकर भी आप अपने बच्चे की गर्दन की सफाई कर सकते हैं, या फिर आप जब तेल, जिस तरह से बच्चे की तेल की मालिश करते हैं उस तरह से भी आप अपने बच्चे की मतलब बच्चे के गर्दन की सफाई कर सकते हैं। तो आप दूसरा तरीका जो है वो आप बच्चे को हाथ में होल्ड करके भी बच्चे के गर्दन की सफाई कर सकते हैं। किस तरह से, आपको एक ऊंचे जगह पे बैठ जाना है, पीढ़ा जैसा ऊंचे जगह पे आपको बैठ जाना है और बच्चे को आपको एक पैर पे आपको इस तरह से होल्ड करना है, इस तरह से, और इस तरह से करेंगे। बच्ची मेरी बड़ी हो गई है, फिर थोड़ा मैं करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप होल्ड करेंगे इस तरह से, तो बच्चे का गर्दन है जो इस तरह से पूरा दिखेगा। तो आप उसी तरह से पानी भिगाना, पानी में हैंकी को भिगाना है और उसमें 2-3 बूंद डिटॉल जरूर डालें, और पानी जो होना चाहिए वो हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो क्या करना है, इस तरह से बच्चे को करेंगे तो देखिए बच्चे के गर्दन में थोड़ा सा गैप आ गया है और ये हैंकी है जिससे हम लोग को हल्का गुनगुना पानी में भिगाना है और पानी को पूरा निचोड़ देना है, और पानी में हो सके तो 2-3 बूंद आप डिटॉल भी डाल सकते हैं, और पानी को पूरा निचोड़ देना है और इस तरह से हम लोग गर्दन के पास ले जाकर इस तरह से हल्के हाथों से गर्दन की सफाई कर देंगे। और उसके बाद आप एंटी फंगल या जो भी पाउडर यूज करते हैं बच्चे के लिए या फिर अपने लिए जो गर्मी में पाउडर यूज करते हैं वो भी आप लगाएंगे तो बच्चे को जल्दी आराम मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चे के गर्दन की सफाई कर सकते हैं। या बहुत लोग बच्चे की गर्दन की सफाई के लिए या फिर बच्चे की सफाई के लिए वाइप यूज करते हैं, तो आप वाइप भी यूज कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। हर कोई इसे अफोर्ड वाइप तो अफोर्ड कर नहीं सकता, तो आप सिंपल कॉटन के हैंकी से, पुराने कपड़े से ही, आप घर में जो कपड़ा पड़ा हुआ है पुराना उससे भी आप अपने बच्चे की गर्दन की सफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चे की गर्दन की सफाई करेंगे तो बच्चे के गर्दन के बीच में जो गंदगी है वो हमेशा साफ रहेगा, गंदगी जमा नहीं होगा, तो बच्चे को इरिटेशन नहीं होगी, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पिंपल वगैरह भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चे के गर्दन की सफाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में बेल आइकन को हिट कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपनी बेबी का ख्याल जरूर रखें। बाय बाय।